हमारा प्रिय मित्रों, सुबह संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। मैं लायक नहीं अर्पण मेरे, कबूल कर ले अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंग्रेजर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर का वचन जो सुनते हैं, सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए भजन संहिता 22वें अध्याय की 17 आयत, साम्स चैप्टर 22 वर्स 17। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं, वे मुझे देखते और निर्वात है। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस अध्याय की शुरुआत में दाऊद का कुछ बातें हम उसमें दे सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा तो बातें प्रभु यीशु मसीह में पूरा हुआ है। और इतना भी नहीं, दाऊद भविष्यवाणी तरीके इस वचनों को कहा, भविष्य में आने वाले बातें उसमें समझाते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर उसको चढ़ाने का समय, इसी प्रकार का परिस्थिति को हम दे सकते हैं। भजन संहिता 22वें अध्याय के 17 आयत में, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का सब हड्डियां गिन सकता हूँ। उसका कारण हम देखते हैं, उसका कपड़े सब उतार दिया, वो नंगा कर दिया लोगों ने। माती का सुसमाचार 27वें अध्याय की 35वीं कलम में, तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्टियां डालकर उसके कपड़े बांट लिया। उधर का सिपाही लोगों ने यीशु मसीह का कपड़े को चिट्टी डाल के लगे बांट लिया है। इसी प्रकार हम देखते हैं योहान की सुवार्ता 19वीं अध्याय की 24वीं कलम में, इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम उसको ना फाड़े परंतु उस पर चिट्ठी डाले कि यह किसका होगा। यीशु मसीह का वस्त्र के लिए चिट्ठी डाल के यह किसका होगा, इसी प्रकार कहकर ये लोग चिट्ठी डाल दिया। ये लोग यीशु मसीह का वस्त्र लेने के लिए चाहते हैं, इसके लिए इसी प्रकार का कार्य किया है। हम पहले मनुष्य आदम के बारे में हम पढ़ते हैं, आदम ने पाप किया, उसका वजह से उसने नग्न हो गया, नंगा हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का समय पर उसका कपड़ा उतार कर नंगा कर रहा है, ये बात यह हम समझाते हैं। लेकिन आदम पाप का कारण से नंगा हो गया, लेकिन यीशु मसीह नंगा होने का कारण हमारा पाप है। ये पाप का निवारण के लिए यीशु मसीह क्रूस में हमारे लिए नंगा हो गया, नग्न हो गया है। कितने अनमोल प्रेम यह हम दिखाते हैं। हम यशायाह का किताब में इस प्रकार पढ़ते हैं, 52 अध्याय की 14 कलम में, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों का से नहीं रह गई थी। यहां हम देखते हैं
उसका रूप के बारे में लिखा हुआ है। वो देखने में क्या विभत्याम उसको आ गया। ये बात यशयाह का किताब में समझाते हैं, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए क्योंकि उसका रूप वहां तक बिगड़े हुआ। प्रभु यीशु मसीह क्रूस में रहने का समय पर मेरे लिए आपके लिए ये नंगापन ये नग्न बात है उसने सह लिया। हम ये बात यहां हम देखते हैं। ऐसे आपका किताब 53 अध्याय की 3 कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्याग हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे, वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। यहां हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को और मनुष्य का ओर से सारे बातें उसको त्याग किया है। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्याग हुआ था, मनुष्यों उसको त्याग किया है। ये सारे बातें प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सह लिया। एक मनुष्य का एकदम लज्जा की बात है वो मनुष्य को नग्न बनाना। नग्न बनाकर आजकल लोग को इसी प्रकार विरोधी लोग करते हैं, लेकिन इससे भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को नग्न बनाया। आदम पाप किया उसका वजह से नग्न हो गया, लेकिन पाप का निवारण के लिए इससे पहले यीशु मसीह को नग्न बनाया। क्यों? हमारे पाप का सजा इतना बड़ा है, प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप का सजा और ले लिया है। हम देख सकते हैं यीशु मसीह को पकड़कर कैयफा, अन्ना, पिलातुस इस प्रकार के लोगों का पास में लेकर आए। वो लोग न्याय किया, कुछ अन्याय उसके ऊपर नहीं देख सकते हैं, लेकिन सिपाही लोगों का हाथ में सौंप दिया तो उसका सिर को पर काटों का मुकुट रखे हुए उसमें से कितने लहू बहा दिया। इतना भी नहीं, उसका पैरों में हाथों में किल्ला मार दिया, उसको नंगा कर दिया, शरीर से जितने लहू है और हमारे लिए बहा दिया। नग्न होकर प्रभु यीशु मसीह क्रूस का वेदने को सह लिया। कितने अनमोल प्रेम को हम दे सकते हैं। मरने के बाद में 3 दिन जी उड़कर आज स्वर्ग में है, प्रभु फिर आएंगे, इस प्रकार का बड़ा आशा को दिया। हम कितने धन्य हैं उसकी आराधना करने के लिए प्रभु हमको अलग किया। हम एक दिन उसको देखेंगे, उसकी आराधना करेंगे। इससे पहले एक बात जरूर होना है, जो मरे हुए लोग पुनरुत्थान होकर प्रभु यीशु मसीह को जीवते उसका स्वरूप में हम मिलेंगे। और इतना भी नहीं, जिंदा रहने वाला लोग जीवित होकर रूपांतर होके प्रभु का पास में जाएंगे, प्रभु को आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। इसी प्रकार की बड़ी आशा को दिया है। वो प्रभु के लिए हम स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। और भजन संगीता 22 अध्याय की 17 कलम में, मैं अपनी आप अपनी सब हड्डियों गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निर्वाचते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं। और ये समय पर लोग उसके ऊपर निर्वाचते हैं, ध्यान से देखते हैं, लेकिन विश्वासी लोग प्रभु का पास में जाकर उसको निर्वाचते हैं कि ध्यान से देखेंगे, ओ प्रभु मेरे लिए कितना वेदना आपने सह लिया, कितना दुख अपमान लज्जा का बात आप सह लिया, ये सारे बातें आप हमारे लिए सह लिया। हम स्वर्ग देखने के लिए नहीं जा रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए। मुझे आपको उसने उद्धार दिया है, जो हमको रक्षा किया है, उस प्रभु को हम देखकर
उसकी आराधना करने के लिए जाता है। हम उस सुंदर मन से बहुत आनंद के साथ में प्रभु की हम आराधना करेंगे। उसी सौभाग्य का बात हमारे जीवन में प्रभु ने दिया है, और बाकी लोग इस पृथ्वी में इतने नष्ट कष्ट सहन करने वाला है, अनंत काल के नरक में जाने वाला है, लेकिन हमारे लिए एकदम सुंदर जगह प्रभु ने तैयार किया। उस जगह में प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।